देखिए, आज जो है अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, मैंने पूछा भी अभी इनसे ईडी वालों से कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं। दो मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो, मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर, और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं, और मैंने इनको लिख कर के दिया हुआ है ईडी वालों को कि ऐसे ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको एडवांस स्टेज पर हैं, कैंसर का भी उनको ऑपरेशन हुआ है, और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे। अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ, फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूँ, एसीबी से मैं जमानत पर हूँ, चार्जशीट सबमिट सीबीआई में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है। खुद एसीबी वालों सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं इनसे कि भाई ये क्यों मुझे सर्च वारंट के नाम पर ये गिरफ्तार करने के लिए मुझे आए हैं। हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 8 अप्रैल को 13 घंटे में ईडी के अंदर रहा, पूछताछ की और उसके बाद में 13 घंटे बाद में आया। सर्च ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले एसीबी सर्च कर चुकी है, उसके बाद ईडी सर्च कर चुकी है, अब क्या सर्च करने के लिए मेरे घर पे आए हैं। तो इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, मुझे और मेरी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री एक फर्जी मुकदमे में अंदर जेल में हैं, अभी मनीष सिसोदिया जी जो है 18 महीने में जेल से बाहर आए हैं, संजय सिंह जी 5 साल 5 महीना, 18 महीने में मनीष जी आए हैं, 5 महीने में संजय सिंह जी आए हैं, और ऐसे ही जो है अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये पूरी तरह से हमें और हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, और जो नहीं टूटता उसको ये जेल भेजते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि आप जो है संयम बनाकर रखें, और मैं एक वादा और आपसे करता हूं कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं, इलाके के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, मैं जानता हूं आप लोग तकलीफ में हैं, लेकिन क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसाया हुआ है जिसकी वजह से कुछ काम लेट हुए हैं,
लेकिन मेरी टीम, मेरे घर के लोग और मेरी पार्टी के लोग, मेरी सरकार आपका एक एक काम कराएंगे। और हमने कुछ गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे कोई खौफ और डर भी नहीं है। बस अफसोस है कि आज मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर मेरे पास बेड में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, ये लोग सर्च वारंट के नाम पर मेरे घर में आए हैं, जो ऑलरेडी ये 2022 में सर्च कर चुके हैं। शुक्रिया।